ऑटोमोबाइल्स के लिए एक सिक्योरिटी डिवाइस निकाला जो नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी डिवाइस फॉर व्हीकल एंड पैसेंजर। ये इस तरह से एक डिवाइस है, ठीक है, यहाँ पे इनसाइड कैमरा है और ये आउटसाइड कैमरा है। यू कैन मूव दिस एज पर रिक्वायरमेंट, आप इसको सेट कर सकते हो जैसे आपका रोड व्यू जैसे रहेगा वैसा। और इसका हैंगर आता है इस तरह से जो यहाँ पे विंडशील्ड के ऊपर लगता है, एक्स्ट्रा वैक्यूम है यहाँ पे, इस तरह से लगेगा ये, ठीक है। तो इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ व्यू क्लियर करता है और विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। यहाँ पे इसको प्रेस करके रखना 2 मिनट और एक बार हैंग होगा तो निकलता नहीं होगा। नट है उसका, आप फिट कर सकते हो अगर जैसे कि गाड़ी चलती रहती है। इसका चार्जर आता है 2 मीटर का, इसका वायर है केबल जो यहाँ से इस तरह से लगेगा और ये पूरा हाइड कर दिया जाता है। अभी यहाँ पे इसका चार्जर आप कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, केबल। और यहाँ से इस तरह से ये हाइड होता है, इजी प्लेन पे आउट है, ठीक है। यहाँ से पूरा हैंग करके इस रबर यहाँ से पूरा ब्लू बॉक्स के नीचे से यहाँ चार्जर पे कनेक्ट कर दिया जाता है। कितना मीटर का है ये? 2 मीटर का, ठीक है। इस तरह से पूरा हैंग हो जाएगा। उसके बाद ये टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्डिंग देता है आपको, जो वीडियो रिकॉर्ड होगा डायरेक्ट क्लाउड पे स्टोरेज है, जो 90 डेज तक आपको बैकअप देता है। 90 डेज तक का पूरा बैकअप देगा, उसका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। 90 डेज तक का कोई भी ट्रिप का, जैसे ट्रिप स्टार्ट होगा और डाउनलोडिंग चालू हो जाता है 2 महीने पहले का, या 90 डेज का कोई भी ट्रिप आप निकाल के उसको डाउनलोड करके देख सकते हो या व्यू करके देख सकते हो। उसके साथ साथ इसमें 2-वे कम्युनिकेशन है, जैसे कि ड्राइवर आपका फोन नहीं उठा रहा है या जो पैसेंजर है उसका फोन नहीं लग रहा है, इस डिवाइस के थ्रू आप डायरेक्टली उससे बात कर सकते हो। इसमें ये ऑप्शन नहीं कि कॉल उठाना है कि नहीं उठाना, डायरेक्ट ड्राइवर को बात करना ही पड़ेगा। नहीं हो जैसे एप्लीकेशन से आपने कॉल लगाया, कॉल उनको बात करना ही है, उनके पास ऑप्शन कुछ ऑप्शन नहीं उठाने की, नहीं उठाना। उसके बाद आपकी गाड़ी का मिसयूज नहीं होगा, जैसे कि आपने ओवर स्पीडिंग का अलर्ट दिया हुआ, जैसे आपने 80 का या 100 का स्पीड का अलर्ट दे दिया उसको, और उसके ऊपर अगर गाड़ी आपकी गई थ्रेशोल्ड स्पीड लिमिट क्रॉस्ड, ऐसा आपको मैसेज आ जाता है एप्लीकेशन पे, आप मोबाइल पे आपको मैसेज आ जाएगा, नॉर्मल जो मैसेज आते हैं आपको वैसे। और दूसरी बात इसमें नेक्स्ट जो है, अगर कोई एसी ऑन करके सो रहा है, जैसे आपने ड्राइवर को गाड़ी दे दिया, वो आप कहीं लेके गया गाड़ी आपको कहीं पे होटल में या ऑफिस में छोड़ दिया, बाद में वो गाड़ी में एसी ऑन करके सो रहा है, इसमें कैसे था? गाड़ी चलती रहती तो ऑन ट्रिप लिख के आता है, गाड़ी पार्क करेगी तो पार्क लिख के आता है, और पार्क कंडीशन में अगर एसी ऑन रहेगा, जैसे 15 डिग्री के ऊपर आपका टेम्परेचर जाएगा एसी का कूलिंग, वैसे आपको मैसेज आ जाएगा पार्क कंडीशन एसी ऑन। ओके। और इसमें और एक फैसिलिटी है जैसे कि जियो फेंसिंग जिसे कहते हैं। जियो फेंसिंग में जैसे कि आप एक एरिया सेट कर देते हो, जैसे घाटकोपर का एरिया आपने सेट कर दिया, अगर उसके बाहर आपकी गाड़ी जाती है, जैसे घाटकोपर को क्रॉस करेगा, बॉर्डर को क्रॉस करेगा गाड़ी आपका, वैसे आपको मैसेज आ जाएगा जियो फेंसिंग क्रॉस्ड, और किस रूट पे और किस लोकेशन पे है आपकी गाड़ी वो पूरा आपको बता देगा। उसके बाद इसमें जीपीएस ट्रैकिंग भी है जो आपको पूरी फैसिलिटी देता है रूट प्ले बैक के साथ। डेली स्टैटिक्स रिपोर्ट है, डेली स्टैटिक्स रिपोर्ट में आपकी गाड़ी एक दिन में या पूरा एक महीने का या स्पेसिफिक डेट का आप चेक कर सकते हो, कितना किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है, कितना टाइम तक चली है, और वो ट्रिप में अलर्ट्स कितने आए हुए हैं, क्या स्पीड से गाड़ी गई है, मैक्सिमम स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड क्या थी, और गाड़ी के अंदर का वॉल्यूम क्या था, ये सारी चीजें आप इसमें चेक कर सकते हो। गाड़ी कितना बजे निकला, कितना बजे पहुंचा, और किस रूट को फॉलो किया, ट्रिप सब ये सारे ट्रिप्स को आपको बता देगा, जो भी ट्रिप का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो एक हफ्ते का पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो एक महीने का पूरा चाहिए, तो स्पेसिफिक डेट का चाहिए आपको पूरा, डेली स्टैटिक्स रिपोर्ट दे सकता है। इसमें जीपीएस ट्रैकिंग भी है, रियल टाइम लोकेशन किस जगह की है आपकी गाड़ी की वो आपको बता देगा, किस रूट पे है, किस जगह पे है आपकी गाड़ी, आप ज्योग्राफी भी जाके वो चेक कर सकते हो, सैटेलाइट व्यू भी आप उसमें देख सकते हो। उसके साथ साथ इसमें सर अननोन ड्राइवर का भी अलर्ट है, जैसे कि आपके पास 2-3 ड्राइवर हैं, या तो आप गाड़ी चलाते हो, आपके भाई या आप मैडम गाड़ी चलाती है, चौथा अगर इसमें कैसा रहता है, एप्लीकेशन पे आपको उसका फोटो रिकॉग्नाइज करके रखना पड़ता है, फोटो रिकॉग्नाइज करके आपने रख दिया, उसके बाद आपको वो बता देगा अगर तीसरा कोई ड्राइवर गाड़ी पे बैठेगा तो अननोन ड्राइवर करके आपको अलर्ट आ जाता है, अननोन ड्राइवर, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा फेस के साथ में कि गाड़ी कौन चला रहा है। ओके। वो डिवाइस के लिए अननोन ड्राइवर है और उसका फेस भी आ जाएगा कि अननोन ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। और जैसे कि आपने किसी गाड़ी दे दिया और यहाँ पे इसका प्लग लगा, अगर वो सोचेगा कि प्लग मैं निकाल देता हूँ, सेट को मालूम नहीं पड़ना चाहिए या मेरे दोस्त को मालूम नहीं पड़ना, हाँ, इसको अगर जैसे ही निकाला तो अलर्ट आ जाएगा, उसका भी अलर्ट आ जाएगा, पावर केबल प्लग रिमोट, और अगर किसी ने इसके ऊपर रुमाल भी डाला, कैमरे का रुमाल भी, उसका भी आपको अलर्ट आया, कैमरा ब्लैक डाउन, कैमरा ब्लैक डाउन का भी अलर्ट आपको आ जाता है।
ठीक है, ये सारी फैसिलिटी जो किंड दे रही है 100% सिक्योरिटी है सर, एक व्हीकल के लिए और एक पैसेंजर के लिए, या जिन्होंने अपने लव सोन को गाड़ी दिया है या कोई टीनेज गाड़ी चलाते हैं उनके भी सेफ्टी के लिए है, ड्राइवर की भी सेफ्टी के लिए, तो ये पूरा 100% सिक्योर है जो व्हीकल्स को प्रोवाइड करता है ये केंद्र कंपनी ने अभी लॉन्च किया। फर्स्ट टाइम ये ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में लॉन्च हुआ, लाइव स्ट्रीमिंग प्लस टू वे कम्युनिकेशन, इसके पहले ऐसा कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ। और इसका 1 ईयर का वारंटी है डायरेक्ट रिप्लेसमेंट। कुछ भी डाउट होगा भाई, कैमरा प्रॉपर नहीं है, वॉइस प्रॉपर नहीं है, एक्स वाई जेड, डायरेक्ट आप रिप्लेस कर सकते हैं। और इसमें दो फैसिलिटी और जो यूनिक फीचर प्रोवाइड करती है सर, इसमें 8GB का इंटरनल मेमोरी कार्ड दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है कि जैसे कि इसमें एयरटेल का सिम है सर जो नेटवर्क एस्टैब्लिश करता है, ठीक है, मान लो कि जिस जगह पे नेटवर्क नहीं है उस जगह पे आपकी गाड़ी जा रही है, उस जगह पे क्या होगा, रिकॉर्डिंग होगा कि नहीं होगा, रिकॉर्डिंग होगा, वो 8GB इंटरनल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग होता रहता है कंटिन्यू। जैसे नेटवर्क में गाड़ी आपकी आएगी वो सारा डेटा क्लाउड को देता है, फिर क्लाउड से आपको डेटा का क्लाउड है। इसमें QR कोड दिया गया है, जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे या आप ओनर हो जाते हो डिवाइस के, और केंट के अकाउंट में एक आपका अलग से अकाउंट ओपन होता है क्लाउड का, वो डेटा केवल आप ही रिट्रीव कर सकते हो, उसको कोई छू नहीं सकता। ओके। और दूसरी बात की जैसे गाड़ी आपकी, मैंने आपको ऊपर बताया गाड़ी चलती रहती है तो ये डिवाइस चार्ज होता रहता है। एप्लीकेशन पे आपको बताएगा डिवाइस का बैटरी चार्जिंग कितना है, ठीक है। मान लो गाड़ी आपकी पार कंडीशन में है तब क्या, तो इसमें 3000 mAh की बैटरी है सर जो 24 hours का आपको बैकअप देता है, उसमें भी आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपको लगता है गाड़ी 2-3 दिन पार करेगी लेकिन आपको लाइव देखना है, तो आप यहाँ से निकल के घर पे नॉर्मल चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो, घर पे निकल के भी चार्ज कर सकते हो, जरूरी है कि गाड़ी चलती रहेगी तो ही चार्ज होगा, घर पे भी आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। ये फैसिलिटी दिया है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। मोबाइल में प्ले स्टोर से आपको केंटेक MI करके ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। ये एप्लीकेशन में जैसे आप जाते हो ये पूरा एप्लीकेशन ओपन होगा, नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी डिवाइस इस तरह से आएगा। आपने अपना फेस प्रोफाइल, हाँ ये पूरा प्रोफाइल है, पार्क कंडीशन में है, 21 मिनट से पार्क है जैसे मैं ऊपर आया, ठीक है। अभी विक्रोली ईस्ट में है डिवाइस है, ठीक है। ये नेटवर्क कंडीशन दिखा रहा है एयरटेल का, अभी गाड़ी साइलेंट मोड में है, मतलब गाड़ी के अंदर ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। Okay. इसमें आप लोकेशन चेक कर सकते हो, लाइव वीडियोस चेक कर सकते हैं। जैसे कि लोकेशन में आप जाते हो तो लोकेशन में आपको गाड़ी आपकी कहाँ पर है वो आपको बताता है। ये बहुत अच्छा, ठीक है। अगर ज्योग्राफिकली आपको चेक करना है, देखिए लक्ष्मी नगर दिखा रहा है, ठीक है। अगर ये ज्योग्राफिकली आपको चेक करना है तो सेटेलाइट व्यू भी आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं, ये पूरा सेटेलाइट व्यू आपको देता है। अभी इसमें जैसे कि आप लाइव वीडियो आपको देखना, आप लाइव में जाएंगे आपको पूछेगा आपको इनसाइड देखना है कि आउटसाइड देखना, आपने बोला इनसाइड देखना, तो नेटवर्क एस्टेब्लिश करता है और इनसाइड का व्यू आपको देता है। ये वॉल्यूम का है, अभी देखिएगा, ये वॉल्यूम में बंद कर देता हूँ क्योंकि आवाज़ ज़्यादा आएगी। ओके ओके, ये बंद कर देता हूँ। अभी देखिए नेटवर्क देखिए, अभी ये लाइव दिख रहा है आपको। अच्छा ऐसे भी हुआ था, हाँ क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है देखिए, ठीक है। और अगर आपको आउटसाइड देखना है तो आउटसाइड में यहाँ पे आपको कैमरे पे क्लिक करना है, ओके करना है, तो ये बाहर का व्यू आपको दे देगा। और गाड़ी आपकी चलती रहती है, मूविंग कंडीशन में रहती है, तो नेटवर्क उसको कैप्चर ज़्यादा करता है, तो आपको और भी क्लैरिटी दिखती है इसके अंदर। अच्छा ठीक है, अभी आपको इस डिवाइस के थ्रू बात करना है। और एक ऐसा है कि सर नाइट विजन में, ये नाइट विजन में भी आप देख सकते हो, जैसे कि अभी कैबिन का लाइट बंद है आपको इनसाइड देखना है, हाँ। तो यहाँ पे एक टॉर्च दिया गया। ओके ठीक है, ये टॉर्च को आप प्लेस करते हो, प्रेस करते हो, हाँ। तो ये रेड लाइट इंफ्रारेड, हाँ ये करता है इंफ्रारेड लाइट, ये करता है स्प्रेड करता है, तो नाइट व्यू में भी आप देख सकते हो, ठीक है। अगर इस डिवाइस पे आपको कॉल करना है, ठीक है, अभी एक मिनट इनसाइड का कर देता हूँ मैं, आउटसाइड में रहेगा तो भी आप फोन कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अभी ये जैसे कि ये इस पे आपको कॉल करना है, ठीक है। हेलो 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 हेलो, डायरेक्ट कॉल चालू होगा उस, अभी क्या साथ में है ना, इसके लिए इको, अच्छा ठीक है। बाहर आप रहेंगे तो क्लियर वॉइस आता है, एकदम क्लियर वॉइस आएगा, ठीक है। डायरेक्ट कॉल चालू हो जाएगा। और उसके बाद इसमें नेक्स्ट फैसिलिटी जो है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ट्रिप्स है,
लाइव वीडियो के बाजू में ट्रिप्स है, ट्रिप्स में आप जाते हो तो नंबर ऑफ ट्रिप्स आप इसमें चेक कर सकते हो कि आप कहाँ से आए हो, मतलब कहाँ से निकले थे, कहाँ पे पहुँचे थे, कितना बार निकले थे, कितना बार पहुँचे थे, अलर्ट्स कितने थे। यहाँ तक कि आप रूट भी प्ले कर सकते हो कि किस रूट को फॉलो किया गया। जैसे कि आपने बोला ड्राइवर को, भाई इस रूट से जाना, आप जल्दी पहुँचोगे, काम भी जल्दी हो, लेकिन उसको दूसरे रूट पे भी काम था, वहाँ पे गया, वो काम किया, फिर आप दूसरे आपके रूट पे गए, वो भी रिकॉर्ड। तो आप रूट भी प्ले कर सकते हो। अभी मैं कहाँ से आया सर, उल्लासनगर कल्याण, ओके, 10:15 बजे मैं निकला हूँ, विक्रोली इसमें पहुँचा 11:39 को, ठीक है। अभी अगर इसका आपको चेक करना है तो इसमें भी वो रूट का भी आपको, वो ट्रिप का भी पूरा इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो रूट प्ले के साथ, अलर्ट्स कितने आए हुए हैं वो चेक कर सकते हो, स्टैटिक्स में आप कितना किलोमीटर चले हो, कितना टाइम तक चले हो, प्लस स्पीड क्या थी, अलर्ट्स कितने थे, कितना बजे निकले, कितना बजे पहुँचे हो, सारी चीज़ें आप स्टैटिक्स में चेक कर सकते हो। फेसेस, अगर करेक्ट बंदा गाड़ी चला रहा है आपका, जिसका आपने फेस रिकॉग्नाइज किया है, तो वो टिक मार्क आएगा और बंदे का फेस आएगा। अगर अननोन बंदा है तो भी उसका फेस आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा अननोन ड्राइवर का। वीडियोस में जाके आप वो वीडियो क्रिएट कर सकते हो, व्यू वीडियो आप करेंगे तो आपको पूछेगा इनसाइड आउटसाइड या बोथ। आपको लगता है भाई इस ट्रिप में इनसाइड कुछ इंसिडेंट हुआ है, या तो आउटसाइड कुछ हुआ है, या तो दोनों साइड कुछ हुआ है, तो आप दोनों भी वीडियो देख सकते हो, तो इनसाइड या आउटसाइड देख सकते हैं। अभी जैसे इन्फो में हम लोग आ गए, तो अभी कितना बजे निकले, कितना बजे पहुंचे हैं, डिस्टेंस कितना कवर किया है, ड्यूरेशन कितना कवर किया है, इंजन आइडल कितना टाइम था, मतलब बंद कितना टाइम था, और मैक्सिमम स्पीड क्या थी, अलर्ट्स कितने आए हुए हैं, एक ट्रिप स्टार्ट, 3 ट्रिप एंडेड का, और 3 पावर प्लग आउट का अलर्ट आया हुआ है, ठीक है। अभी इसका रूट प्ले करना है। जैसे मैंने आपको बोला, तो आप रूट प्ले भी कर सकते हो कि किस रूट को फॉलो किया गया था, जो रूट बोला गया है वही रूट फॉलो किया कि अलग रूट फॉलो किया गया। अगर इसको आप प्रेस करते हो, देखिए रूट ये बताएगा, पूरा चेक कर सकते हैं किस रूट को फॉलो किया, कैसे कैसे पहुंचा, क्या स्पीड से पहुंचा हुआ। स्टैटिक्स में देखिए, स्टैटिक्स में आपको टाइम बताएगा, डेट बताएगा, टाइम बताएगा, कभी निकले, कभी पहुंचे, और पूरा एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल ड्यूरेशन, मैक्सिमम स्पीड, एवरेज टेम्परेचर आउटसाइड, टोटल अलर्ट्स, टोटल इंजन आइडल टाइम, एवरेज साउंड लेवल, ये सारी चीज़ें आप एक ही जगह पे चेक कर सकते हो। और अगर आप वीडियोस में जाते हो तो वीडियोस में आपको बताएगा व्यू वीडियोस का ऑप्शन आता है, आपको दिखा देखिए व्यू वीडियोस में आप अगर आप जाएंगे तो व्यू वीडियोस में आपको पूछेगा आपको इनसाइड देखना है कि आउटसाइड देखना है, बोथ देखना है। Okay. तो वीडियो आप डाउनलोड भी करके अपने लाइब्रेरी में रख सकते हो, उसको आप शेयर भी कर सकते हो किसी को भी। ये टाइमलेस वीडियो रिकॉर्डिंग रहता है, कंटिन्यू नहीं रहता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, ऑटो अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताएं।